Hi everyone, welcome to my channel and for today we will be starting with class by Gary Day. And इससे पहले एक छोटी सी क्वेरी मुझे सॉल्व करनी थी बच्चों की. बहुत बच्चों ने कहा था कि आप जो है सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करो, सो बिकॉज इट इज अ इंग्लिश ऑनर्स कोर्स, सो इसलिए मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके लिए जो है ईजी रहे टू राइट योर आंसर इन द एग्जाम. एंड सेकेंड थिंग, बहुत बच्चों ने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वीडियो बना दो. सो इट इज नॉट ईजी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वीडियो बनाना इस समय पे, क्योंकि आपके पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है इस समय. सो इसीलिए मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवाती हूँ हर वीडियो वगैरह में. सो आप इंपॉर्टेंट जो भी लाइन्स वगैरह है उसके आसपास का रीड कर सकते हो एंड वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. एंड इसके बाद जो एक और वीडियो आने वाली है, डेट इज कि हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग योर पेपर, एंड उसके ऊपर मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी एंड सब कुछ. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, डेट इज क्लास बाय गैरी डे. एंड ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी 2001 में. एंड ही डिस्कसेस, मतलब जो गैरी डे है वो डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म क्लास. सो वो हमारे को ये बताते हैं कि वो एवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब क्या डेवलपमेंट हुई है इन द टर्म ऑफ क्लास. मतलब पहले क्लास क्या होती थी, अब क्लास क्या है, फ्रॉम द लेट मेडिवल पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड. सो कुछ कुछ चीजें जो मैंने आपको जैसे यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है, दीज आर इन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन्स, तो आप इनको जो है एक बार भी याद कर सकते हो या मे बी एक बार रीड कर सकते हो पॉजिंग दिस वीडियो. नाउ वी हैव इज द कॉम्प्रिहेंसिव समरी. सो इस समरी का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ समरी मिलने वाली है. इस समरी का मतलब यह है कि आपको भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है एंड धीरे धीरे जो मैं आपको पूरा चैप्टर, पूरा ये मतलब जो नॉवल टाइप टेक्स्ट है, ये मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ. सो जो इनका पूरा नाम है, डेट इज गैरी डेविस. ये एक ब्रिटिश एकेडमिक एंड लेक्चरर थे इंग्लिश लिटरेचर में एट दी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, जो कि है मेनली इंग्लैंड में. सो ऑल्सो इनका जो क्लास जो है वो पब्लिश हुआ 2001 में, जैसे मैंने आपको बताया. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है लाइक क्लास 2001 में पब्लिश हुआ, मॉडर्निस्ट लिटरेचर 1890-1950, 2010 में पब्लिश हुआ है. एंड ये मैंने इसलिए मार्क किया आपके लिए बिकॉज ये मोस्टली पेपर में, मतलब जो आप एमए इंग्लिश का जो बच्चे पेपर देते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये आगे आपके इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट ये, सो इसलिए मैंने आपके लिए मार्क किया है. एंड द नेक्स्ट टेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज द स्टोरी ऑफ ड्रामा ट्रेजेडी कॉमेडी एंड सेक्रीफाइस फ्रॉम द ग्रीक्स टू द प्रेजेंट, जो कि पब्लिश होता है इन 2016. Now we have is before starting our reminder that Day has written this text in the historical context of England. However, it does help in understanding the class in general. So, चाहे उन्होंने उस time पे भी क्यों ना लिखा है, चाहे बहुत पुराना क्यों ना हो text 2001 का and it's right now 2023. So, maybe जब आप ये video देख रहे हो मुझे बताना कौन सी year में आप ये video देख रहे हो. अगर 2023 नहीं है ये, so आगे भी बहुत अच्छे video देखे तो. सो इसमें मैंने ये बताया गया है कि जैसे क्लास जो है ना, क्लास का एक आपको जनरल पर्सपेक्टिव भी दिया गया है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, मीनिंग एक टर्म जो है क्लास उसका मतलब क्या होता है. मेनली डे जो है वो एक्नॉलेज करते हैं कि जो क्लास है उसकी मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती है अक्रॉस, लाइक सोशियोलॉजी में अलग हो सकती है, पॉलिटिक्स में अलग हो सकती है. मतलब ये नहीं कि क्लास का मतलब सिंपल ये हो गया कि लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ये नहीं होता. सो क्लास का मतलब जो है वो चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट जो आपका डिसिप्लिन है, जैसे कि सोशियोलॉजी में अलग हो सकता है, पॉलिटिक्स में अलग हो सकता है, कल्चरल स्टडीज में अलग हो सकता है एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी अलग हो सकता है. तो एक जनरल रेफरेंस जो अगर हम क्लास की देखें तो वो होता है डिवीजन इन सोसाइटी. एक इसको मतलब ये जो वर्ड है क्लास, ये मेरे को एक मेन जो स्पेसिफिक करता है, डेट इज डिवीजन इन सोसाइटी. एक सोसाइटी में डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया है लोअर क्लास, मिडिल लोअर क्लास होता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास होते हैं. सो इट इज अ डिवीजन, मतलब एक सोसाइटी में जो वो डिवाइड हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कि कौन इंसान ज्यादा एक्सपेंसिव है, मे बी कौन सा इंसान ज्यादा अमीर है एंड कौन सा इंसान ज्यादा गरीब है. वो ये भी ट्रेस करते हैं ओरिजिन जो टर्म है क्लास का, वो एक लैटिन वर्ड है डेट इज क्लासेस, ये है प्लूरल क्लासेस का. एंड वन ऑफ द मीनिंग ऑफ क्लासेस जो है वॉज द डिवीजन डिवीजन ऑफ द रोमन पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट एंड एज. सो ये जो वर्ड है क्लासेस, इसका मेनली मीनिंग क्या होता था उस समय, तो डेट इज डिवीजन ऑफ द रोमन पीपल अकॉर्डिंग टू, ये आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स, कि वो कितना उनके पास, लाइक कहते ना कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, लाइक दैट स्टेट्स एंड एज, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से. नेक्स्ट वी हैव इज इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड ऑर्डर. सो अब आपको पता है कुछ वर्ड्स मिलने वाले लाइक ऑर्डर, क्लास, रैंक, कि इनके मतलब क्या होते हैं एंड ऑर्डर और रैंक में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है. सो एक इंग्लिश लैंग्वेज में, इन इंग्लिश लैंग्वेज जो वर्ड है ऑर्डर, ये इक्वल होता है टू द रोमन ऑर्डो. सो मतलब रोमन में एक वर्ड होता है ऑर्डो, सो ये उससे इक्वलेंट होता है, जो कि ट्रांसलेट करता है एज अ रैंक इन रैंक ऑफ द आर्म फोर्सेस. मतलब रैंक जो आपको बताइए कि रैंकिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट मे बी फोर्सेज में,
लाइक जनरल सेक्रेटरी या फिर जो भी मतलब रैंक्स होती हैं. एंड थर्ड जो सोशल स्टेटस है वो एक्सप्रेस होता है थ्रू वर्ड्स लाइक रैंक एंड ऑर्डर. टिल मार्क्स केम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ क्लास इन द 19th सेंचुरी. सो मार्क्स जो है मतलब मार्क्स जो आपको पता होगा, सो मार्क्स जो है वो ही केम अप आया था एक न्यू कॉन्सेप्शन के साथ जो कि था क्लास, और वो भी कौन से ईयर में था, 19th सेंचुरी में. नेक्स्ट वी हैव इज इन द क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास. जो सोसाइटी है वो कंपेयर की गई है टू अ बॉडी विद ईच ऑफ इट्स पार्ट वाइटल फॉर द वाइटल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर बॉडी सैंक्शनड बाय डिवाइन लॉ. सो इसमें मेनली बताया गया आपको कि एक क्रिश्चियन में मतलब क्रिश्चियन की अंडरस्टैंडिंग में एक क्लास क्या है. सो दैट इज कि एक डिवीजन या फिर एक सोसाइटी को जो कंपेयर किया जाता है इन सेंस ऑफ बॉडी, उनके जो बॉडी के अंदर जैसे कहते हैं ना उनकी सोच, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उन सब से जो है एक पर्टिकुलर डिवाइन लॉ मतलब डिवाइन इज द लाइक क्या गॉड को कैसे प्रीच करते समथिंग. सो क्रिश्चियंस में बताया गया है कि क्रिश्चियंस में जो है एज अ क्लास को कैसे देखा जाता है, दैट इज कि बॉडीली एंड बॉडीली इसमें देखा जाता है सोसाइटी जो है वो कंपेयर करती है बॉडी बॉडी विद ईच ऑफ इट्स पार्ट वाइटल मतलब सारे पार्ट इसके इंपॉर्टेंट होती है एंड क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट है. एज अ सिस्टम ऑफ सोशल डिवीजन, एक चीज आपको याद रखनी है, क्लास में कभी भी इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स लाइक कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें लेस इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. एज द सिस्टम ऑफ सोशल डिविजन इवॉल्व ओवर टाइम, जो वर्ड्स है जैसे कि एसोसिएट करते हैं रैंक स्टेशन, ये यूज होते हैं वर्ड्स यूज टू गिव मॉरल नॉर्म्स, मतलब कि ये जो है एक एज इन वर्ड्स को जो यूज किया जाता था ताकि हम एक अंडरस्टैंड कर सके सब डिविजन विद इन थ्री डिविजन्स, मतलब कि कौन कौन से डिविजन्स होते हैं एंड उसमें जो हम डिफाइन कर सके हम सोच सके कि क्या क्या फर्दर डिविजन्स हो सकते हैं. अब यहाँ पे आपके पास दो वर्ड्स है लाइक स्टेशन. जो स्टेशन जो है वो किसको रेफर करता है, सबसे पहले रैंक के. ये रैंक जो है वो मोस्टली यूज होता है बाय द नोबिलिटी, लाइक वेयर अ स्टेशन वॉज यूज टू डेजिग्नेट अ पर्सन प्लेस इन अ सोसाइटी. सो रैंक को इज जनरली कि आप कितने मतलब कौन सी रैंकिंग आपको मिली, आप बहुत ज्यादा ऊपर दर्जे का नीचे दर्जे का ऐसा. एंड स्टेशन इज समथिंग कि जहाँ पे आपको कौन सी जगह पे कौन सी सोसाइटी में जो आपको प्लेस किया गया है. सो टाइप ऑफ सेम मीनिंग बट थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन तो है इसमें, और अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ आ रहा तो जस्ट यू कैन लर्न सम ऑफ दीज लाइन्स, जैसे कि मैंने आप मार्क कर रखा है. सो यू कैन जस्ट लर्न सम ऑफ दीज लाइन्स ताकि आपके लिए एक ईजी हो जाए. स्टेशन जो है रेफर किया जाता है टू अ पर्सन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज देयर स्पेसिफाइड लोकेशन, मतलब कि स्टेशन जनरली रेफर किया जाता है कि पर्सन कहाँ एम्प्लॉयड है और उनका एक डेजिग्नेटिव प्लेस क्या है, डेजिग्नेशन लोकेशन क्या है मेनली. सो नेक्स्ट वी हैव इज द गॉस्पेल स्पीच दैट ऑल मैन आर इक्वल बिफोर गॉड. सो जो हमें गॉस्पेल है उन्होंने टीच किया है, उन्होंने बताया मेनली प्रीच किया उन्होंने कि ऑल इंसान मतलब ऑल मैन मतलब आदमी नहीं, ऑल मैन मतलब सारे लोग इक्वल है बिफोर द गॉड. एंड दे इसमें पॉइंट आउट करते हैं दैट थ्रू दिस प्रोक्लेमेशन ओवर रोड सोशल एंड रेशल डिस्टिंक्शंस बट डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन जेंडर रिमेन. सो बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल मैन आर इक्वल, सो इससे क्या होगा सोशल और रेशल डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शंस तो थोड़ी कम हो सकती है, बट जो जेंडर है मतलब जो जेंडर है वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन में रहेगा. बिकॉज गॉस्पेल खुद भी कहते हैं मतलब वो कहते चाहे कि सब लोग इक्वल है, बट व्हाई ही डिडंट से इट कि लाइक ऑल पीपल या फिर ऑल द सिटीजंस आर इक्वल बिफोर गॉड, बट इट्स लाइक ऑल मेन आर इक्वल बिफोर गॉड. तो इससे क्या हो सकता है कि जेंडर इनइक्वालिटी आ सकती है. देन वी हैव इज द वर्ड क्लास. जो वर्ड क्लास था वो इवेंचुअली जो है एंटर किया इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन द 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी में धीरे धीरे एंटर करने लग गया था. And there are two possible explanation for it. So, the firstly है, the act of classification, ये वाला जो है ना ज़्यादा important नहीं है, but मैंने mark किया था because मुझे लगा इसमें कुछ आपको pointers मिल जाएंगे to write in your exam. So, firstly, as the act of classification became increasingly important to the natural sciences in the 17th century, an effort to classify human society in order to understand the social order was seriously undertaken. पर ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे अप्रोच होते थे जो कि मतलब बनाए जाते थे ताकि हम जो डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके, बट सच अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा डेंजर होते थे जो कि एक प्रीडेंट मतलब कि जो पहले का क्लास का वर्ड जो था वो डेवलप्ड था, तो पहले लोग जो है वो सोशल डिविजन हो चुका था. आपको पता होगा 17th सेंचुरी में इंडिया में कैसे होता था जनरल डिविजन, तो वो होता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मतलब ऐसे डिविजन होते थे. सो ये उस समय से जो है क्लास वर्ड सोसाइटी में आ चुका था. नाउ वी हैव हिज मार्क्स.
कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने अभी आपको एक लाइन में बताई थी ऊपर। सो मार्क्स उन्होंने जैसे वो किया था एज ए 19th सेंचुरी में इस वर्ड को वो लेकर आए थे, एंड 19th सेंचुरी में जो एक पीक था इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, एंड कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया था क्लास को एज अ एक इन इकोनॉमिक टर्म्स, एंड उन्होंने क्या कहा था मतलब उन्होंने क्या मैंने डिफाइन किया था इन इकोनॉमिक टर्म्स इज इन अ बिड टू लोकेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लिश सोसाइटी, एंड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था टू डिस्टिंक्ट क्लास को दैट इज बुर्गीज एंड प्रोलेटेरिएट। यस, सो बुर्गीज एंड प्रोलेटेरिएट, एंड जो बुर्गीज है उनको रेफर किया जाता था वो क्लास जो कि ओन करती थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड प्रोलेटेरिएट कौन होते थे जो कि ओन करते थे नथिंग बट देयर लेबर पावर, मतलब उनके पास लेबर पावर थी, एंड बुर्गीज इज समथिंग जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन ओन करते थे, लाइक एक जमींदार है और उसके कुछ लेबर है, सो बुर्गीज आर जमींदार एंड लेबर जो है वो डैट इज प्रोलेटेरिएट टाइप ऑफ ये, बट इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट यू हैव इज द नेचर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू क्लास बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर लेड टू एंटागोनिज्म और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, एंड ये भी बताया गया कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द टू क्लासेस वॉज बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, मतलब कि दोनों के इंटरेस्ट जो थे वो अलग अलग थे। फॉर बुर्गीज, मे बी इस वर्ड को अगर मैं सही से प्रोनाउंस ना करूँ बुर्गीज को, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो फॉर बुर्गीज प्रॉफिट आउटवेज एनी अदर कंसिडरेशन, सो उनके लिए क्या था प्रॉफिट जो है वो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एंड सो दे पे द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, जो कि वो वर्कर्स को लोएस्ट प्राइस देते थे, बट इन रिस्पेक्ट वो क्या एक्सपेक्ट करते थे, मतलब इन रिटर्न वो क्या एक्सपेक्ट करते थे हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट्स लाइक जमींदार ओनली, बिकॉज जमींदार क्या चाहते हैं कि मतलब क्या करते थे वो लेबर को कम पैसे देते थे एंड खुद बहुत पैसा बनाते थे उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को बेच के। नेक्स्ट वी हैव इज मार्क्स की जो थ्योरी थी उसने प्रोपेल किया था एक न्यू एंड मोर डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग को ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल इंग्लिश सोसाइटी, एंड नाउ वी हैव इज क्लास एंड स्टेटस। सो क्लास एंड स्टेटस में हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, लाइक दिस फर्स्ट पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट तो था, बट इसको मैंने सिर्फ इसलिए मार्क नहीं किया बिकॉज मुझे लगा कि आपको इसमें पेपर में कुछ ऐसा लिखने को पर्टिकुलरली नहीं मिल पाएगा। सो इफ यू वॉन्ट टू मे बी रीड दिस पैराग्राफ यू कैन रीड इट बाई योर सेल्फ, एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आई मस्ट से। नेक्स्ट यू हैव इज नेचुरली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्म्स जो कन्फ्यूजन है अब अराइज करी, अब क्या होगा अब आप किस क्लास है स्टेटस है रैंक है सोसाइटी है स्टेशन है, इतने सारे वर्ड्स अराउज करते हैं, इतने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, सो इंट्रोडक्शन हो रहा है न्यू टर्म्स आ रही हैं, सो वैसे क्या होगा एक वर्ड के इतने मीनिंग्स हो सकते हैं, मतलब मे बी एक मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं और एक वर्ड के हजार मीनिंग हो सकते हैं, इट्स लाइक कि जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे जैसे एक वर्ड है उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड वही हो सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं और उनका सेम मीनिंग भी हो सकता है, लाइक वहाँ पे तीन वर्ड्स हैं तीनों मीनिंग भी सेम हो सकता है, सो इट्स लाइक दैट कि नए नए वर्ड्स जब अराउज हो रहे हैं नए नए वर्ड्स जब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सो कन्फ्यूजन जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रेमंड विलियम्स जो है इन 1980s वो ट्राई करते हैं क्लैरिफाई कर सके सम ऑफ द कन्फ्यूजन्स बिटवीन दैट वाइज बुर्गीज एंड प्रोलेटेरियन डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप टू प्रोडक्शन, जिसे मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास इज एसोसिएटेड विद मोर विद द ओल्ड हायरार्की रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, सो इट्स लाइक द मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जो मोस्टली एसोसिएट किए जाते हैं एंड विद सम ओल्ड हायरार्कियल रिलेशनशिप और विद सोसाइटी में। नाउ वी हैव इज विलियम जो है वो ये भी क्लेम करते हैं डैट मिडिल क्लास जो है वो एक वॉज अ सेल्फ कॉन्शियस इंटरपोजिशन बिटवीन पर्सन्स ऑफ रैंक एंड द कॉमन पीपल एंड इज देयरफॉर मोर अप्रोप्रिएट टू अ हायरार्कियल व्यू ऑफ सोसाइटी, जो मिडिल क्लास है वो डिवाइड करती है मिडिल क्लास डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू अपर एंड लोअर सेक्शन एंड वेयर इज द वर्किंग क्लास है वो डिवाइड करती है इन स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एंड लेबरिंग सेक्शंस। सबको इससे क्या पता चल रहा है एक है मिडिल क्लास और एक है वर्किंग क्लास, बट वो दोनों अपने को क्या डिफाइन कर रही है एक डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, मिडिल क्लास जो वो डिवाइड करती है अपने आपको अपर क्लास में लोअर सेक्शंस में, क्योंकि मिडिल क्लास इज लाइक कि अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास ऐसे ऐसे, बट जो वर्किंग क्लास है वो जनरली अपने को किस चीज में डिस्क्राइब करती है एंड किस चीज में डिवाइड करती है दैट इज स्किल्ड सेमी स्किल्ड और लेबरिंग सेक्शन, मतलब कि कोई लेबर जो है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है उसको पर्टिकुलर वर्क जो बहुत ही अच्छे से आता है, सेमी स्किल्ड मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, लेबरिंग सेक्शन मतलब जिसको बिल्कुल भी नहीं आता तो इट्स लाइक कि वो लेबर वाला काम कर सकते हैं, जैसे सामान ढोने का एक सामान ढोना था सामान इधर से उधर पहुंचाना, कुली का वर्क कर सकती है, कॉबलर का वर्क, बट आजकल तो कॉबलर में भी आपको वो चाहिए थोड़ी तो स्किल्स चाहिए, बट यार यू कैन स्टार्ट दिस वर्क। सो लेबरिंग क्लासेस जनरली कि आप जो है वहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं रहते हैं टू वर्क। नाउ वी हैव इज
The intra-class relationship was based on the status considerations, while the inter-class relationship was based on the opposition of economic interest. So, यहाँ पे मेरे को दो बताया गया intra-class relationship and inter-class relationship. So, यहाँ पे मेरे को दो classes के बारे में particularly बताया गया है. And ये generally based होती थी, पहली जो होती थी वो होती थी state considerations के उसमें. And the second one was yes. So the second one was mainly about कि आपको जो है different different options होते हैं, different variety होती है of a single word, यहाँ different different meaning होते हैं. So inter class is based on status considerations, while जो inter class थी वो based थी on the opposition of economic interest. Now we have is तो status जो है और class जो है वो closely related है, but एक historical analysis जो है वो क्या बताते हैं conclusion में, that status refers to social groupings and class refer to economic grouping. So status क्या करते हैं, social grouping, like maybe status generally of मतलब एक society में दो type के हो सकते हैं. Social grouping is like maybe religion में भी हो सकते हैं social grouping. Social मतलब society grouping. So society में किस चीज में divide होते हैं, maybe of religion and maybe of economic grouping. मतलब अगर आप अमीर हो तो आप अमीर वाले लोगों के साथ आपका ज्यादा बैठना उठना होता है, एंड अगर गरीब हो तो जनरली उन मतलब गरीब ही नहीं तो हम कह सकते हैं लोअर क्लास के साथ लोअर क्लास के साथ उठना बैठना आपका ज्यादा होता है. नेक्स्ट वे हैव इज मैक्स वीबर. सो मैक्स वीबर जो है वो अंडरस्टूड करते हैं स्टेटस को टू बी ऑनर और प्रेस्टीज. सो अ पर्सन कैन हैव हाई स्टेटस एंड येट बी पुअर. सो एक पर्सन जो है वो हाई स्टेटस के हो सकता है बट फिर भी वो पुअर हो सकता है, मे बी बिकॉज उसके बहुत ज्यादा अच्छे डीड्स हो, उसने बहुत ज्यादा अच्छे काम, जैसे कहते हैं ना अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे टाइप ऑफ. सो अगर उन्होंने अच्छे वर्क किए हैं अपनी लाइफ में, दैट मीन्स कि मैक्स वीबर कहते हैं कि अगर आपने अच्छे वर्क किए हैं सो आप जो एक हाई स्टेटस के हो सकते हो, पर आप पुअर भी हो सकते हो. ये भी नहीं हो सकते कि आपके पास पैसे नहीं है, बट यस लोग आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं, हाई स्टेटस का इंसान मानते हैं. पीपल जो है ऑफ सेम स्टेटस जो है जनरली क्या करते हैं, ग्रुप शेयर अ कॉमन स्टाइल ऑफ लाइफ एंड मोड ऑफ लाइफ. सो जनरली क्या होता है, अगर सेम स्टेटस के लोग हैं, लाइक लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सो उनका रहना सहना रहना सोना खाना पीना टाइप ऑफ सेम होता है. एंड अपर क्लास के होते हैं उनका एक सेम टाइप का होता है. यू कैन गेस कि अपर क्लास का है तो इसका स्टाइल ऑफ लिविंग, इसका मोड ऑफ लिविंग क्या होगा, कैसे रहता हुआ ये. एंड सिंस मोड ऑफ लिविंग जो है वो कैन बी सीन एज ए कल्चरल आइडेंटिटी, स्टेटस एंड कल्चर जो है ऑफन सीन एज सिनोनिमस. सो बिकॉज हम मोड ऑफ लिविंग को जो है एक कल्चरल आइडेंटिटी के साथ देख सकते हैं, सो जनरली स्टेटस और जो कल्चर है वो हमारे को सेम सेम दिखते हैं. सिनोनिमस मतलब सेम या फिर सिमिलर. नेक्स्ट वी हैव इज डे. सो जो गेरी डे है वो ट्रेस करते हैं इमर्जेंस ऑफ क्लास फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. और जो इंग्लैंड है वो स्टिल अ फ्यूडल सोसाइटी थे, मतलब उस समय जो इंग्लैंड था वो फ्यूडल सोसाइटी ही था. बट जो ट्रेडर्स थे, बट द ट्रेडर्स ग्रो रिचर एंड मोर पावरफुल. सो बिकॉज वो क्यों हो रहे थे रिच, बिकॉज वो जनरली लेबर क्लास को टाइप ऑफ लूटते थे या फिर वो लेबर क्लास को इतना पे नहीं करते थे विच दे डिजर्व. मनी सर्व्स एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो उस समय मनी जो है कॉमन मीडियम होता था एक्सचेंज का, या फिर लाइक बार्टर सिस्टम वगैरह में भी हम कह सकते हैं इसमें. सो मनी जो है, मनी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर बट व्यूज एज अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क प्योरली इन टर्म्स ऑफ टाइम. सो मनी जो है वो डिफरेंशिएट तो नहीं करता काइंड ऑफ लेबर में, पर आप अगर आपको जैसे कि एक होता है फिजिकल वर्क, एक होता है मेंटल वर्क. सो अगर आप जो है मेंटली इतना डेवलप नहीं हो, मतलब अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, सो यू विल एक्चुअली गो फॉर द फिजिकल लेबर. बट अगर आप मेंटली आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको फिजिकल लेबर बनने की जरूरत नहीं है. यू आर अ मेंटल लेबर, मेंटल आप वर्क कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर अ मेंटल लेबर जो दिमाग से जो है वर्क कर रहे हैं. इट इज देयरफॉर एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डीलिंग इन क्वांटिटीज एंड नॉट क्वालिटीज. सो ये चीज इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए. देन यू हैव इज एक वर्कर जो जनरली स्पेंड करता है. यस ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है अबाउट कि एक वर्कर जो है नॉर्मल जो है वर्कर, मतलब एक वर्कर जो स्पेंड करते हैं 8 hours ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एक बकेट को. एंड जो बकेट है मतलब उसको जो है उसको से मिलते 100 rupees, पर जो मतलब एक पर्टिकुलर सेलर है उसने जो है उसको 400 rupees में सोल्ड किया. तो दैट मीन्स कि जो सरप्लस वैल्यू हुई दैट इज ऑफ 200 rupees. और या सो जो सरप्लस वैल्यू हुई, क्योंकि देखो अब 100 rupees मिले उसको वर्कर को मिले, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 100 rupees एक्स्ट्रा लेकर क्या करेगा जो वो सेलर है, वो उससे मतलब जिसको भी सेल करेगा वो 100 rupees एक्स्ट्रा लेके 200 rupees की बकेट सेल कर देगा. बट उसने क्या किया, उसने 400 rupees की जो है बकेट सेल करी. एंड इससे क्या पता चला हमें कि जो ये सेलर था दैट इज कि उसने इतना ज्यादा प्रॉफिट बनाया एंड वो वर्कर जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ. उसको तो सिर्फ उस बकेट के 8 घंटे में एक बकेट बनाई उसने 100 rupees की,
और उसको मिले सिर्फ 100 रुपए, पर सेलर को बेचने के उसको मिले 400 रुपए। दिस इज हाउ वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। इट इज अ कॉमन फीचर ऑफ दिस सिस्टम। सो कैपिटलिस्ट सिस्टम में जनरली क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होती है, एंड बिकॉज इट इज अ प्राइवेट, सो प्राइवेट सब कुछ होता है, तो गवर्नमेंट का इसमें कोई भी पर्टिकुलरली हाथ नहीं होता है। इवन तो जो कॉन्सेप्ट है क्लास का वो एंटर कर चुका था इंग्लिश वोकैबुलरी में 17th सेंचुरी में, पर जो एक्सप्लॉइटेशन है ऑफ वन ग्रुप बाय द अनदर ग्रुप इज नॉट समथिंग न्यू। मतलब उस समय के लिए कोई नया तो नहीं था, बिकॉज ह्यूमन हिस्ट्री में मार्क्स जो है वो ऑब्जर्व करते कि द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, मतलब ये क्लास जो है वो पहला से बहुत पहले से आई हुई है, ऐसा नहीं है 17th सेंचुरी में आई है, उससे बहुत पहले से आई हुई है। नेक्स्ट यू हैव इज दिस टॉपिक दैट इज लिटरेचर एंड एक्सचेंज, एंड इसमें मैंने ज्यादा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करी है बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, बट या आफ्टर मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दैट इज आफ्टर अ थोरो एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज, जो डे है वो ट्राई करते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सके एक पोजिशन ऑफ लिटरेचर इन रिलेशन टू द एक्सचेंज इन द कैपिटलिस्ट सेटअप। एंड वो ये भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा था, ही डज दिस बाई अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो ये अंडरस्टैंड करते हैं एक्सचेंज ऑफ टू टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन दैट इज इन रिलेशन ऑफ क्लास एंड स्टेटस। नाउ वी हैव इज लिटरेचर जो है ड्राइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज लिटरा, दैट मीन्स लेटर, एंड इन अर्ली इंग्लिश इट वाज स्पेल्ड एज लिटरेचर दैट इज, एंड इन अ मीनिंग इट मीन्स समवन who knew how to read. So literature is something जो कि हम जैसे कहते हैं ना a literate person. So literate person is something जो कि read and write कर सके before or below the age of 7. ऐसा कुछ हम कहते हैं जनरली, मतलब more the age of 7 और above the age of 7 या below the age of 7 ऐसा कुछ होता है literate. But उस टाइम के समय में क्या था, literature, that is this word, spelling इसके अलग है थोड़ी. So literature is this word and इसका जो meaning होता था वो ऐसा होता था कि जिसको कोई ऐसा person जो कि सिर्फ read कर सके, ये इसका मेन मीनिंग होता था। अनदर प्रीवेलेंट आइडिया जो था वो अटैच हुआ था लिटरेचर में इन इट्स एक्सक्लूसिव एफ आर लेविस एंड क्लेम, उन्होंने क्या क्लेम किया था, दैट ओनली एन इलाइट माइनॉरिटी कुड जस्ट ट्रू लिटरेरी वर्क ऑफ एनी लिटरेचर, एंड दे क्लैरिफाई करते हैं दैट दिस परसेप्शन ऑफ लिटरेचर इज अलाइंड टू सीइंग लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, वेयर एज द परसेप्शन ऑफ लिटरेचर इन रिलेशन टू एक्सचेंज इकोनॉमी इज इन टर्म्स ऑफ क्लास। So now we have this text and yes, so here we end this text here only, and so here we end this video here only, and if you have any query do let me know in the comments, and ये था आपका कुछ text, अगर आपको कुछ भी समझ रहा है कुछ नहीं समझ आया you can let me know in the comments, किसी और particular topic पे video चाहिए so you can also let me in the comments, stay safe, stay positive, and with this we end this syllabus here only, अगर आपको किसी और text पे particular video चाहिए do let me know in the comments, bye bye.